नमस्कार, मेरा नाम है लव सिंह। आप देख रहे हैं इंडियन और शेष। और आज की इस नई वीडियो में आप देखने जा रहे हैं अजय सिंह साथ बक्सर बिहार के घोड़े को, जिस घोड़े पे घुड़सवारी कर रहे हैं सवार विकास। अभी आप पूरे इस वीडियो में देखेंगे कि किस प्रकार विकास सवार अपने घोड़े से तालमेल बनाते हुए, अपने राउंडों को पूरा करते हुए इस घोड़े को तैयार कर रहे थे बरहमपुर फाइनल रेस के लिए। और आपको ये भी बता दूं कि ये घोड़ा सेमीफाइनल राउंड क्रॉस करके और फाइनल में सेलेक्ट हुआ, बरहमपुर में अच्छी लड़ाई लड़ा और बरहमपुर के फाइनल रेस में पार्टिसिपेट करने का इस घोड़े को मौका भी जरूर मिला। ये काबिले तारीफ है सवार विकास के लिए और इस घोड़े के लिए भी, जो इस घोड़े ने बरहमपुर की फाइनल रेस में अपना जगह बनाया। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आगे आने वाली कौन कौन सी महत्वपूर्ण रेसें हैं जिसमें आप अपने घोड़े को लेकर प्रतिभागी बन सकते हैं। मेरे पास तमाम ऐसे कमेंट हमेशा रहते हैं कि आप रेस की डेटें नहीं बताते, तो मैं अब आपको रेस की डेटें, उनकी प्राइस अभी बताने वाला हूँ, जिसको सुनकर आप अपने घोड़े की तैयारी शुरू कर सकते हैं और समय रहते आप उन घोड़ों को लेकर उस जगह पे पहुंच सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आएगी। इस वीडियो के बारे में हमें अपने प्रतिक्रिया जरूर बताएं कि आपको इंडियन हॉर्सेस की तरफ से आने वाली तमाम सारी वीडियो जो देखते हैं वो कैसी लगती है। तो आपको बता दूं कि अप्रैल महीने में 4 अप्रैल को एक रेस रखी जा रही है अंबेडकर नगर में शीतला प्रसाद सिंह के द्वारा, जिसमें प्रथम आने वाले घोड़े को 51,000 रुपये का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। सेकंड स्थान प्राप्त करने वाले घोड़े को 21,000 व तीसरे स्थान प्राप्त करने वाले घोड़े को 11,000 रुपये का पुरस्कार यहाँ पे देने की घोषणा की गई है। 4 अप्रैल को अंबेडकर नगर में आप पहुँचे और इस रेस के प्रतिभागी बने। और आपको आगे की मैं बात बता दूँ तो इस रेस में कुछ एंट्री फीस भी रखी गई है प्रत्येक घोड़ों के लिए। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद 16 अप्रैल कपूरी बलिया शेषनाथ यादव के द्वारा एक रेस आयोजित कराई जा रही है, इसमें भी आप प्रतिभागी बन सकते हैं। काफ़ी पुरानी रेस है और बढ़ चढ़ के घोड़े इस रेस में प्रतिभागी बनते हैं पूरे यूपी व बिहार से, इस रेस में भी प्रतिभागी बने। आगे आपको बता दूं, सप्पू वर्मा के द्वारा अंबेडकर नगर में ही एक रेस आयोजित कराई जाती है, उसकी अभी डेट कंफर्म नहीं है, डेट कंफर्म होगी तो हम आपको जरूर बताएंगे। उसके बाद मिस्टर सरफराज खान फैजाबाद उत्तर प्रदेश रौनाही के पास एक रेस 30 अप्रैल को आयोजित कराई जाती है, इसमें प्रथम आने वाले घोड़े को मोटरसाइकिल इनाम के तौर पर दी जाती है, सेकेंड व थर्ड। आप इस रेस में अच्छी तरह से जानते होंगे कि इसमें क्या क्या पुरस्कार रहते हैं, सरफराज भाई के द्वारा दिया जाता है। आपको बता दूं तो आज यूपी और बिहार में इस रेस का अहम हिस्सा बनना आपके लिए जरूरी है, इस रेस में प्रतिभागी बने, क्योंकि काफ़ी टक्कर की रेस होती है 30 अप्रैल को, जहां पे फाइनल में भी घोड़ों को जगह बनाना काफ़ी मुश्किल होता है। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको और कोई हमारे तरफ से इंडियन हॉर्सेस की तरफ से जानकारी चाहिए तो हमें आप अपने कमेंट में लिख सकते हैं और हमें भेज सकते हैं, हम आपके हर कमेंट को पढ़ते हैं।